हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म को। बता दूं कि ये हमारी सीरीज जो चल रही है वो है बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी का मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है, जो हमने जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस पहले कर लिया है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देख लिया है, और ये थर्ड अभी लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर आपने लास्ट जो पुराने वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे होंगे तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी करके है, उस पर क्लिक कर दीजिए और आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिपिड मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिपिड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, लिपिड जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी देता है। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और फिर बाद में जब एनर्जी के लिए, फिर बाद में उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कभी कभी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका हम देखेंगे पाथवे, फैटी एसिड कहाँ से डराए होते हैं और ट्राइग्लिसराइड से। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड भी एक मेजर सोर्स है ना फैट्स का और एनर्जी का। अब हम इसका पाथवे देखेंगे, ये रहा इसका पाथवे। तो सबसे पहले क्या आता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड भी ग्लिसरॉल से ही बने हुए होते हैं, बट वो थोड़े उनका रिएक्शन थोड़ा वो है। तो जैसे ग्लिसरॉल है, फिर ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम आएगा और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगी पहले, तो यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगी और एडीपी यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप लेगा और ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना देगा। फिर यहाँ पे एनएडी आएगा और ऑक्सीडेशन कर देगा इसका और NADH2 बन के निकल जाएगा, और फिर ये क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। फिर फॉस्फोट्रायल आइसोमरेज एंजाइम आके इसको थोड़ा सा ठीक करेगा और यहाँ पे डाई तो रहेगा लेकिन यहाँ पे थ्री फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ग्लिसरेल्डिहाइड, थ्री फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड। तो इसका क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या प्रोसेस होगी, फिर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो हम पीछे देख चुके हैं। इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो हम इसको फिर से कवर नहीं करने वाले, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमने पहले पढ़ लिया है, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज का लाइसिस। तो यहाँ पे इसका लाइसिस होगा और ये पाइरूविक एसिड बनेगा। तो बेसिकली हमने देखा है कि ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, मतलब उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं ऐसा कुछ। तो कैसा होता है, उसका पाथवे क्या है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, तो आपने अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डालूंगी उससे देख लीजिएगा। ठीक है, अभी पाइरूविक एसिड से सिट्रिक एसिड या फिर क्रेब्स साइकिल भी हम इसे बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या होगा, CO2 स्टोर एनर्जी मिल जाएगी। और क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें पता है 38 ATP एनर्जी जो है वो मिलती है और 8 ATP यूज़ हो जाती है, मतलब 30 ATP। तो बेसिकली हमें बाद में एनर्जी मिल जाएगी। तो क्रेब्स साइकिल भी आप देख लीजिए अगर आपको देखना हो तो, प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस पर। ठीक है, थैंक यू। बस इसका कुछ ज़्यादा नहीं था, ये मेटाबॉलिज्म यही था, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है ग्लिसरॉल का यही था, बाकी कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और मैंने मेटाबॉलिज्म के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज़ बनाई है, एक उसमें एक वीडियो बनाया है मैंने, वीडियो लेक्चर, तो आप वो भी देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। और इसमें बता ही देती हूँ, वैसे मैं वीडियोस में बता देती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई रहता है तो, और उस पर भी अलग से सीरीज़ एक बनाई ही है मैंने, आप देख लीजिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। से नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।